नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा, भेस चोरी करने वाले गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। थाना छाता व स्वाट टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। थाना छाता पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना छाता क्षेत्र अंतर्गत भैंस चोरी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पिलहोरा खम्बम्बा के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, भैंस बिक्री के 49 व 2 अवैध शस्त्र, 315 बोर मय कारतूस बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त अशफाक हुआ घायल। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। वहीं 2 बदमाश हरिशंकर उर्फ हिटलर पुत्र कन्हैया लाल व अनिल पुत्र बलवीर निवासी कस्बा छाता को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं सीओ आशीष शर्मा ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। थाना छाता में कुछ दिन पूर्व 2 भैंस चोरी घटनाएं पंजीकृत हुई थी। जाँच के दौरान पुलिस को फुटेज के आधार पर पता चला कि एक पिकअप गाड़ी का प्रयोग इसमें चोर द्वारा किया गया है और इस संबंध में आज मुखबिर खास ने सूचना दी कि जिस गाड़ी की तलाश आप लोग कर रहे हैं वो गाड़ी आज पिलोरा बम्बा के पास आती हुई दिख रही है। इसी सूचना पर पुलिस टीम और स्वाट टीम द्वारा, छात्र टीम और स्वाट टीम द्वारा गाड़ाबंदी की गई और इसमें पिकअप गाड़ी को रोका गया। इसमें से 2 अभियुक्त उतर कर भागे लगे और एक जो ड्राइवर था वो मौके पर ही पकड़ा गया। जो अभियुक्त भागे लगे उसका पीछा पुलिस ने किया और रुकने के लिए कहा, लेकिन उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश गिर गए। मौके पर जाके देखा तो एक बदमाश को गोली लगी है जिसका नाम अशफाक है और दूसरे का नाम अनिल है, और जो बदमाश गाड़ी से पकड़ा गया उसका नाम हरिशंकर है। और इन 3 बदमाशों से 49,000 रुपये कैश बरामद हुआ है और 2 शस्त्र भी बरामद हुए और एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और इन 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।